सरप्राइजिंगली कुछ सस्ती डिशव महंगी डिश वॉशिंग मशीन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। वॉशिंग मशीन की तरह ही एक डिवाइस है जो हमारी डिशेस, कटलरी और कुकिंग यूटेंसिल्स को क्लीन करता है और इस क्लीनिंग के लिए एक डिश वॉशर मशीन पानी को गर्म करती है उसमें डिटर्जेंट एड करती है और स्प्रे आर्म्स की हेल्प से प्रेशर के साथ उसे हमारे डर्टी यूटेंसिल्स पर थ्रो करती है ताकि हमारे यूटेंसिल्स अच्छे से क्लीन हो सके ये स्प्रे आर्म्स हमारे डिश वॉशर्स के अंदर इस तरह से मूव करती हैं कि हर एक यूटेंसिल्स पर पानी का प्रेशर अच्छे से पड़ सके और डिश वॉशर्स वॉशिंग के बाद यूटेंसिल्स को ड्राई भी करते हैं कुछ डिश वॉशर्स हॉट एयर का यूज करते हैं यूटेंसिल्स को ड्राई करने में जबकि कुछ दूसरे डिश वॉशर्स वॉशिंग साइकिल के समय सा जो हीट जनरेट होती है उसकी हेल्प से यूटेंसिल्स को ड्राई करते हैं जब डिश वॉशर्स के अंदर हमारे यूटेंसिल्स क्लीन और ड्राई हो जाते हैं डिश वॉशर हमें अनलोडिंग के लिए सिग्नल करता है और हम डिश वॉशर्स के अंदर से अपने यूटेंसिल्स बाहर निकाल सकते हैं लेकिन डिश वॉशर्स की एक लिमिटेशन है कि ये टफ स्टेन को रिमूव नहीं कर सकता लेकिन रोटीन क्लीनिंग के लिए डिश वॉशर्स काफी कन्वीनियंट और टाइम सेविंग होते हैं डिश वॉशर परचेज करने से पहले हमें कुछ इंपोर्टेंट बातों का ध्यान रखना चाहिए नंबर वन उसकी कैपेसिटी जिस तरह से एक वॉशिंग मशीन सिक्स के जी सेवन के जी एट के जी कैटेगरी में आती है उसी तरह से डिश वॉशर्स भी अलग अलग कैपेसिटी में आते हैं और एक डिश वॉशर की कैपेसिटी प्लेस में मेजर की जाती है हमें एट प्लेस डिश वॉशर टेन प्लेस डिश वॉशर ट्वेल्व प्लेस डिश वॉशर और फिफ्टीन प्लेस डिश वॉशर भी मिलते हैं थोड़ा डिटेल में बताऊं तो एट प्लेस डिश वॉशर्स में हम एट डिनर प्लेट्स एट डेजर्ट प्लेट्स एट सुन Eight glasses, eight teaspoon, इस तरह के बर्तन रख सकते हैं और टोटल 96 आप इसमें कर सकते हो। कुछ में हमें adjustable racks मिलते हैं और इन रैक्स को रीअरेंज करके हम लार्जर यूटेंसिल्स भी इसमें रख सकते हैं अगर आपकी तीन चार मेंबर्स की स्मॉल फैमिली है तो एट प्लेस सेटिंग वाला डिश वॉशर आपके लिए एनफ है अगर आपकी फाइव सिक्स की फैमिली है तो प्लेस प्लेस या 12 आपके लिए बेस्ट रहेगा उसकी क्वालिटी पर ध्यान देना है क्योंकि ये वही जगह है जहां पर गर्म पानी के साथ हमारे यूटेंसिल्स को क्लीन किया जाता है अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होगी तो हमारा डिशवाशर सालों साल चलता रहेगा कुछ डिश वॉशर्स में हमें लोड सेंसिंग टेक्नोलॉजी दी जाती है अगर हमारे डिश वॉशर में लोड सेंसिंग टेक्नोलॉजी होगी तो हमारा डिश वॉशर उसके अंदर कितने यूटेंसिल्स हैं उसे जज करेगा और एप्रोप्रिएट अमाउंट में पानी और डिटर्जेंट यूज करेगा इसलिए ये डिश वॉशर हमारा कुछ पानी सेव करते हैं कुछ डिश में हमें हाफ लोड सेटिंग दी जाती है मान लो आपने एक ट्वेल्व प्लेस सेटिंग वाला डिश वॉशर कर लिया लेकिन आपके पास बर्तन कम है उसमें धोने के लिए अगर आपके इस डिश वॉशर में हाफ लोड सेटिंग का ऑप्शन है तो आप इस डिश वॉशर को हाफ लोड सेटिंग पर एडजस्ट करके कम बर्तन भी वॉश कर सकते हैं हाफ लोड सेटिंग पर आपका डिश वॉशर पानी कम कंज्यूम करेगा और एनर्जी भी कम कंज्यूम करेगा एक लाइन में कहूं तो आपका बड़ा डिश वॉशर एक छोटे डिश वॉशर की तरह काम करेगा और छोटे डिश वॉशर की तरह ही पानी और एनर्जी कम कंज्यूम करेगा जो एट प्लेस सेटिंग वाले डिश वॉशर होते हैं उनका साइज थोड़ा सा स्मॉल होता है इसलिए हम उन्हें टेबल टॉप कर सकते हैं लेकिन जो बड़े डिशवॉशर होते हैं उनको हम टेबल टॉप नहीं कर सकते हमें उनको फ्लोर पर ही रखना पड़ेगा आज की लिस्ट में नंबर फाइव पर है बोल्टास बेको एट प्लेस सेटिंग वाला टेबल टॉप डिश वॉशर और ऑनलाइन ये डिश वॉशर हमें बिलो ट्वेंटी मिल जाएगा इस डिश वॉशर में हम एक साथ नाइनटी वेसल्स रख सकते हैं अगर मैं डिटेल में बताऊं तो एट डिनर प्लेट्स एट फोक्स एट डेजर्ट फोक्स इस तरह के बर्तन हम 96 इसमें रख पाएंगे इसमें हमें एट वॉश प्रोग्राम्स दिए गए हैं कौन सा वॉश प्रोग्राम यूज करना है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे यूटेंसिल्स कितने ज्यादा गंदे हैं और वुड और आयरन के यूटेंसिल्स को छोड़कर हम लगभग सभी यूटेंसिल्स इस वाशर में वॉश कर सकते हैं और ये पर तो ये पानी को 70 डिग्री तक गर्म करेगा और उस पानी के साथ हमारे यूटेंसिल्स को क्लीन करेगा इसलिए ये क्लीनिंग मोड काफी हाइजीनिक है और इस डिश वॉशर पर हमें दो साल की कंप्रीहेंसिव वारंटी और फाइव वारंटी मोटर पर मिलती है अब हम इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं सबसे पहले बात नेगेटिव पॉइंट्स की करते हैं ये डिशवॉशर मशीन दूसरी डिशवॉशर मशीन के कंपैरिजन में हल्की सी नाइजी है और नंबर टू इसमें हमें हाफ लोड सेटिंग और डिले स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता लेकिन अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसका प्राइस एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आने वाला ये डिश वॉशर हमें ट्वेंटी थाउजेंड के नीचे मिल रहा है इसलिए काफ़ी बजट फ्रेंडली है नंबर टू ये इनर्जीट भी है इसलिए हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिस इंपॉर्टेंट वॉश प्रोग्राम्स दिए गए हैं और नंबर फोर इस डिश वॉशर में हमें एडजस्टेबल रैक्स दिए गए हैं जिसकी हेल्प से हम इस डिश वॉशर में लार्जर आइटम्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं एक लाइन में कहूँ तो स्मॉल फैमिली स्मॉल बजट लेकिन अच्छी बिल्ड क्वालिटी और वर्किंग ये सब आपकी कंडीशन है तो बोल्टस बेको आपके लिए है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां पर आप अपडेटेड प्राइस और कस्टमर रिव्यूज भी देख सकते हैं डिश वॉशर मशीन के लिस्ट में नंबर फोर पर है फेबर का ट्वेल्व प्लेस सेटिंग वाला डिश वॉशर मॉडल नंबर है एफ एफ एस डी सिक्स पी आर ट्वेल्व एस ये आज की डेट में ट्वेंटी में अवेलेबल है और इस प्राइस पर यह एक बड़ी जबरदस्त डील है ट्वेल्व प्लेस सेटिंग होने की वजह से ये डिश वॉशर फैमिलीज फैमिली के लिए सूटेबल है अगर आप सिक्स सेवन हैं तो ये डिश वॉशर आपके लिए एन एफ है इस डिश वॉशर में हमें सिक्स वॉश प्रोग्राम दिए गए हैं और ये डिश वॉशर पर वॉश साइकिल अप्रोक्सीमेटली ट्वेल्व लीटर पानी कंज्यूम करता है और इस डिश वॉशर में भी हमें एडजस्टेबल रैक्स दिए गए हैं अगर मैं बिल्ड बिल्ड क्वालिटी की की बात करूं तो इंटरनल पार्ट्स बेसिक फंक्शन काफी अच्छे से करता है और इसमें हमें अच्छी क्लीनिंग मिलती है लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस नहीं दिए गए हैं जैसे कि इसमें हमें डिले स्टार्ट और हाफ लोड सेटिंग का फीचर नहीं मिलता लेकिन अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो फेबर के इस डिश वॉशर की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है ये क्लीनिंग भी काफी अच्छे से करता है और मोस्ट अफोर्डेबल भी है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है बेस्ट डिश वॉशर्स की लिस्ट में नंबर थ्री पर है आई का बी का सेटिंग वाला डिश वॉशर जिसका मॉडल नंबर है नेपच्यून एफेक्स वन एफ बी एक इंडियन ब्रांड है और वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर्स में काफी अच्छा काम कर रहा है ई का ये डिश वॉशर अच्छी क्वालिटी का है ये एक ट्वेल्व प्ले सेटिंग वाला डिश वॉशर है इसलिए ये डिश वॉशर लॉर्ज फैमिली के लिए भी अच्छा है इस डिश वॉशर में हमें सिक्स वॉश प्रोग्राम दिए गए हैं जिन्हें हम अपनी नीड के हिसाब से यूज कर सकते हैं अब हम कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करते हैं जो हमें बोल्डास बैको में नहीं मिल रहे थे इस डिश वॉशर में हमें डिले स्टार्ट और इन बिल्ड वाटर सॉफ्टनिंग डिवाइस दिया गया है साथ ही ये डिश वॉशर हाफ लोड सेटिंग के साथ आता है अगर हमारे पास बर्तन कम होंगे वॉश करने के लिए तो भी हम इस डिश वॉशर को हाफ लोड सेटिंग पे यूज कर सकते हैं और अपना पानी और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस सेव कर सकते हैं वारंटी की बात करूँ तो इस पर हमें दो साल की कम्प्रिहेंसिव वारंटी और आठ साल की स्पेयर पार्ट सपोर्ट दी गई है और बड़े शहरों में आई एफ बी की आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है अब हम इस डिश वॉशर के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं इस डिश वॉशर का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसकी आफ्टर सेल सर्विस आई की आफ्टर सेल सर्विस टीयर वन और टीयर टू सिटीज में तो अच्छी है लेकिन रूरल इंडिया और स्मॉल टाउन में आई एफ बी की आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज्यादा बुरी है इसलिए अगर आप स्मॉल टाउन या विलेजेस में रहते हैं तो इसे अवॉइड करिए और लिस्ट में आगे दिए गए डिश में से कोई डिश चूज करिए लेकिन अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो इस डिश वॉशर की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और यह डिश वॉशर रियली सारे इंपॉर्टेंट फीचर दिए गए हैं जैसे कि डिले स्टार्ट ऑटो क्लीनिंग और हाफ लोड सेटिंग इसलिए अगर आप टीयर वन टीयर टू सिटीज में रहते हैं तो डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हैं ऑनलाइन ये डिश वॉशर हमें अप्रोक्सिमेटली थर्टी में मिल जाएगा और इस प्राइस पर यह एक अच्छी डील है डिश वॉशर मशीन की लिस्ट में नंबर टू पर है बोश थर्टीन प्लेस सेटिंग वाला डिश वॉशर मॉडल नंबर है एस एम एस सिक्स सिक्स जी वन जीरो और ये मॉडल ऑनलाइन हमें आज की डेट में 46,000 के आसपास मिल जाएगा ये एक थर्टीन प्लेस सेटिंग वाला डिश वॉशर है इसलिए सिक्स सेवन मेंबर्स फैमिली के लिए सूटेबल है और इसमें हमें एक एडजस्टेबल कटलरी बॉक्स भी दिया गया है इस डिश वॉशर में हमें सिक्स वॉश प्रोग्राम्स दिए गए हैं और तीन ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से एक इंटेंसिव कड़ाई प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम आयली स्टेन के लिए सूटेबल है ये डिशवाशर अपने साइज और कैपेसिटी के हिसाब से कम पानी कंज्यूम करता है पर वॉश साइकिल सिर्फ 10 लीटर वाटर ये कंज्यूम करता है और इस डिश वॉशर में हमें वाटर सॉफ्टनिंग डिवाइस भी दिया गया है अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो इस बोश डिश वॉशर की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और इस बोश डिश वॉशर के इंटरनल पार्ट भी काफी सुपीरियर मटेरियल के हैं और अगर मैं क्लीनिंग एफिशिएंसी की बात करूं तो ये बोस्ट डिशवाशर बहुत अच्छी क्लीनिंग करता है इस बोस्टर पर हमें दो साल की कम्प्रीहसीव वारंटी दी गई है और इसका जो इंटरनल टब है उस पर दस साल की वारंटी दी गई है अगेंस्ट रस ये डिश वॉशर इनर्जी एफिशियंट है इसलिए हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा इस बोस्ट डिश वॉशर के रैक्स एडजस्टेबल हैं इसलिए हम अपनी नीड के हिसाब से इस डिश वॉशर के अंदर के स्पेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं इस वॉशर में हमें लोड सेंसिंग टेक्नोलॉजी दी गई है ये बोश डिश वॉशर अपने अंदर के लोड को सेंस करेगा और उसी के हिसाब से वाटर और डिटर्जेंट को इनटेक करेगा इस तरह से ये डिश वॉशर पानी कंजर्व करने में हेल्प करता है एक लाइन में कहूं तो ये बोश डिश वॉशर हाई क्वालिटी और वर्साटाइल डिश वॉशर है जो हमारे यूटेंसिल्स की क्लीनिंग और ड्राइंग काफी अच्छे से करता है तो नेगेटिव पॉइंट्स लेकिन बड़े शहरों में बोश की ऑफ्टर सेल सर्विस पार्ट थोड़े से कॉस्टली होते हैं एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स लेकिन परफॉर्मेंस और बिल्ड क्वालिटी वाइज बोश के डिशवॉशर वर्ल्ड क्लास है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है बेस्ट डिश वॉशर मशीन की लिस्ट में नंबर वन पर है एल का फोर्टीन प्लेस सेटिंग वाला वॉशर और इसका मॉडल नंबर है डी एफ बी फोर टू फोर एफ पी और आज की डेट में ऑनलाइन ये डिश वॉशर हमें फिफ्टी थ्री थाउजेंड में मिल जाएगा इसके फंक्शन फीचर्स और बिल्ड क्वालिटी इसके प्राइस को जस्टिफाई करते हैं इस एल जी डिश वॉशर में हमें नाइन वॉश प्रोग्राम्स दिए गए हैं जो हमारी डिफरेंट नीड्स को फुलफिल करते हैं और वर्किंग करते समय ये एल जी डिश वॉशर बहुत कम नाइस प्रोड्यूस करता है क्योंकि इस एल जी डिश वॉशर में हमें डायरेक्ट ड्राइव मोटर दी गई है जिसकी बिल्ड क्वालिटी और लाइफ दोनों बहुत अच्छे हैं इस एल जी डिश वॉशर में हमें फोर वॉशिंग ऑम्स दी गई हैं जो मल्टी डायरेक्शन रोटेट करके डिफरेंट एंगल से हमारे यूटेंसिल्स पर स्प्रे करती हैं इसलिए टफ स्टेन भी इस डिश वॉशर में इजिली रिमूव हो जाते हैं और इस LG डिशवॉशर में हमें सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि हाफ लोड सेटिंग मशीन क्लीन रिमाइंडर स्मार्ट डायग्नोसिस डिले स्टार्ट एक्स्ट्रा ड्राइंग ये सभी फीचर हमें इस LG डिशवॉशर में मिलते हैं अगर मैं इस LG डिशवॉशर्स के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो किसी भी डिशवॉशर्स की तरह हम इसमें वुड एल्युमिनियम और आयरन के यूटेंसिल्स यूज नहीं कर सकते और ये डिशवॉशर थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो इस एल जी डिश वॉशर की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है इसमें सभी फीचर्स दिए गए हैं और एल जी की आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है साथ ही एल जी के स्पेयर पार्ट्स सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू बोश इस एल जी डिश वॉशर में हमें वाई फाई का फीचर भी दिया गया है लेकिन वाई फाई की हेल्प से ना हम इस मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं ना स्टॉप कर सकते हैं वाईफाई सिर्फ हमें ये इन्फॉर्म करता है जो हमारा वॉश साइकिल है उसे कंप्लीट होने में कितना टाइम रह गया है और इन केस ऑफ पावर कट ये एल जी डिश वॉशर वही से स्टार्ट करता है जहां पर इसने स्टॉप किया था एक लाइन में कहूं तो अगर आप इंडिया में बेस्ट डिशवाशर ढूंढ रहे हैं जिसकी बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत अच्छी हो तो एल जी का ये डिश वॉशर आपके लिए है मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी डिश वॉशर्स के लिंक दिए हैं आप वहां से इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने मिस कर दिया तो आप वो कमेंट्स में लिख सकते हो। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस किसी और के काम आ जाए थैंक यू